हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम एविथाती जॉर्ज एन। अब हम अपने लिसन टू द साउंड ऑफ म्यूजिक में पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। सो बिस्मिल्ला खान नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत फेमस जो शहनाई प्लेयर है वो है, और इस पूरी लेसन में हम उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। आप यहाँ देख सकते हो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। बेसिकली अभी चैप्टर जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी है, एक के बाद एक इंसिडेंट्स होंगे। यहाँ पे हमें बिस्मिल्ला खान के बारे में बताया गया, उनके जो अवार्ड्स है, उन्होंने जो जो परफॉर्मेंसेस दी है, ये जो जो उनकी अचीवमेंट्स थी उनकी चाइल्डहुड में, तो वो सब चीजें हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्हें पॉइंट्स में कर दिया ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो। नाउ बिफोर बिगनिंग विद द हिस्ट्री ऑफ हिम, हम यहाँ पे बात करेंगे शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी हिस्ट्री जो है ये कहाँ से आई। तो स्टोरी बिगिन होती है जो उस टाइम पे एम्परर थे औरंगजेब, उनको एक इंस्ट्रूमेंट होता था पुंगी, उन्हें उसकी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें बहुत अनोइंग वॉइस लगती थी। तो उन्होंने अपने पूरी रॉयल्टी में वो बैन कर रखा था कि कोई भी यहाँ पे पुंगी इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करेगा, और वो इस हद तक वो बैन बढ़ता गया कि वहां कोई पुंगी प्ले नहीं करता था। एंड एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि पुंगी इंस्ट्रूमेंट ऐसा बन गया था जैसे वो एक नॉइज मेकर हो। एंड देन वहां पे एक फैमिली थी म्यूजिशियंस की, उनके उस फैमिली में एक बार्बर थे जिनका पैलेस में आना जाना था। तो उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि वो जो ये पुंगी इंस्ट्रूमेंट है इसकी वॉइस क्वालिटी को या इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार उन्होंने एक लंबी सी वुडन स्टिक ली जो कि पुंगी इंस्ट्रूमेंट से काफी लंबी चौड़ी थी, और उसमें उन्होंने 7 होल्स करे। अब जैसे ही वो उसमें विंड ब्लो करते थे और जो होल्स उन्होंने करे थे उसको वो बंद खुल करने से, कभी कोई होल बंद किया कभी कोई, तो इस तरह से करते उनको रियलाइज हुआ कि इससे जो म्यूजिक बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया वो रॉयल्टी के सामने ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने बनाया है उसको प्ले करेगी। और जब उन्होंने प्ले किया तो वहां पे सबको बहुत ज्यादा ये पसंद आया, बट उनको ये लगा कि ये पुंगी इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा अलग है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम कोई न्यू नेम देंगे। एंड क्योंकि वो वहां पे शाही एम्परर्स के सामने, जो शाही चैम्बर्स थे उनके सामने फर्स्ट टाइम प्ले हुआ था, और जिसने प्ले किया था वो एक नाई था, इसीलिए उसका नेम पड़ गया शहनाई। ठीक है, तो यहां से ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नेम शहनाई पड़ा। उसके बाद अब जो ये शहनाई था ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया कि ये मोस्टली बहुत ही जब शुभ चीजें होती थी वहां पे प्ले होता था, जैसे टेंपल्स में प्ले होता है, और कोई भी नॉर्थ इंडियन फैमिली में मैरिज हो तो वेडिंग में इसको प्ले किया जाता है। एंड धीरे धीरे ये जो एक रॉयल्टी में नौबत होते, नौबत मतलब 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रॉयल्टी में प्ले होते हैं, मतलब रॉयल पैलेसेस में प्ले होते हैं, उसमें से एक शहनाई भी था। तो इस तरह से ये शहनाई की हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं हम बिस्मिल्ला खान पे। सो द बिगनिंग ऑफ उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उनको सब उस्ताद बिस्मिल्ला खान कहते थे, खान साहब भी बाद में उनको लोग कहने लग गए थे। अब ये जो शहनाई इंस्ट्रूमेंट है इसको क्लासिकल स्टेज तक बिस्मिल्ला खान लेके गए थे। तो यहाँ पे बिगिन करते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, तो तब इनका बर्थ हुआ था। एंड जिस फैमिली में ये बॉर्न हुए थे वो भी म्यूजिशियन की फैमिली थी, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे रसूल बख्श, जो कि वो भी बहुत ज्यादा फेमस थे, उनको मोस्टली लोग शहनाई नवाब के नाम से जानते थे। एंड उनके फादर पैगंबर बख्श वो भी बहुत ज्यादा फेमस थे, अगेन वो भी शहनाई प्लेयर थे। ऐसे ही उनके अंकल वगैरह जितने भी मोस्टली फैमिली मेंबर्स थे सब म्यूजिशियन थे और शहनाई प्लेयर्स थे। अब उसके बाद बताते हैं जब वो 3 इयर्स के थे, बहुत ही छोटी एज में जब उनकी मामा उनको मामा के घर लेके गई थी, तो वहां पे उन्होंने जब अपने मामा अली बख्श को प्ले करते हुए देखते थे तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, उन्हें वो सुनना बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता था। तो वो घंटों बैठ के अपने मामा के साथ जब वो प्ले करते थे तो सुनते थे, उनके साथ विष्णु टेम्पल जाते थे, एंड वहां पे उनके मामा जब भी परफॉर्म करते थे या जब भी वो शहनाई बजाते थे तो वो घंटों उन्हें बैठ के सिर्फ देखते रहते थे। देन आगे जाके उन्होंने जब वो खुद 5 साल के थे तो उन्होंने भी टेम्पल में गाना स्टार्ट किया, एंड वो भी बहुत अच्छा गाते थे। एंड वहां पे जब वो गाना कंप्लीट करते थे वो बेसिकली वहां पे भोजपुरी क्षेत्र है उसको गाते थे, तो वहां पे एंड में उनको रिवॉर्ड के तौर पे एक लड्डू मिलता था जो कि अप्रोक्स 1.5 किलो का था, जो कि वहां के लोकल महाराज उन्हें देते थे। अब धीरे धीरे उन्होंने उस जो म्यूजिक है अपने मामा से ही सीखना स्टार्ट किया, एंड देन वो कभी गंगा किनारे कभी टेम्पल में बैठ के उसकी लगातार प्रैक्टिस
करते रहते थे एंड बाय द एज ऑफ 14 इयर्स वो अपने मामा के साथ ही अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे एंड वहां पे उन्होंने भी अपने मामा के साथ प्ले किया था और बहुत बड़े एक उस्ताद है उन्होंने आके उनको बहुत अप्रिशिएट किया था, उनकी बहुत तारीफ करी थी और उन्हें कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे। तो इस तरह से ये इंसिडेंट्स हमें उनकी चाइल्डहुड के बताए गए हैं। नेक्स्ट इन द ईयर 1938 उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था लखनऊ में जो ऑल इंडिया रेडियो था वहां पे उन्हें गाने का परफॉर्म करने का उस पे मौका मिला था एंड धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा रेडियो पे फेमस हो गए थे, लोग उनको बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते थे। देन 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम उस्ताद बिस्मिल्ला खानी थे जिन्होंने इंडिया का स्वागत किया था एंड उस टाइम पे जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे सब लोग वहां पे थे जब वो शहनाई प्ले कर रहे थे। देन वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, इंडिया में भी बहुत परफॉर्मेंसेस दिए, अब्रॉड में भी बहुत परफॉर्मेंसेस दिए। उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो थी अफगानिस्तान में और वहां पे उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि जो किंग ऑफ अफगानिस्तान थे उस टाइम पे वो उनसे इतना इम्प्रेस हुए थे कि उनको पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट में मिले थे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। एक फिल्म मेकर थे जिनका नाम था विजय भट्ट, वो उनसे इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था गूंज उठी शहनाई। और इस मूवी में उस्ताद बिस्मिल्ला खान का भी एक सॉन्ग है जो कि वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एंड इतना ज्यादा फेमस होने के बाद भी उन्होंने आज तक सिर्फ दो ही मूवीज में, फिल्म्स में वर्क किया है, एक तो गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ का कोई वेंचर था जिसका नाम था सनादी अपानन, तो वहां पे उन्होंने एक सॉन्ग दिया था। उनका मानना था कि ये जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, ये जो ग्लैमर की दुनिया है वो वहां पे फिट नहीं होते, वो वहां पे इतना अच्छा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था वहां पे इतना परफॉर्म करना, तो इसलिए उन्होंने आगे कोई फिल्म्स वगैरह या किसी भी वेंचर में ऐसा परफॉर्म नहीं किया था। देन उनकी जब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो बताते हैं यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जो उन्होंने परफॉर्म किया था, जैसे कि लिंकन का जो सेंटर हॉल था यूएसए में वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया था, वर्ल्ड एक्सपोजिशन में उन्होंने परफॉर्म किया था, कैनन्स आर्ट फेस्टिवल में, ओसाका ट्रेड फेयर में। तो ये काफी, ये आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, तो ये काफी ऐसी फेमस परफॉर्मेंसेस हैं जो उन्होंने दी हैं और ये बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने परफॉर्म किया है। उसके बाद बात करते हैं कि वो धीरे धीरे, क्योंकि वो बाहर परफॉर्म करते थे तो वो इंटरनेशनली भी फेमस हो रहे थे, इंडिया में तो वो ऑफकोर्स फेमस थे ही, इंटरनेशनली भी वो बहुत फेमस हो रहे थे, इस हद तक कि तेहरान ऑडिटोरियम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम रखा गया था तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, तो उन्होंने वो ऑडिटोरियम ही बिस्मिल्ला खान के नेम से रख दिया था। उसके बाद बात करते हैं उनके अवार्ड्स की, तो इंडिया के जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो उन्हें बहुत सारे मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री उन्हें मिला, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है और 2001 में उन्हें भारत रत्न भी मिला था जो कि बहुत बड़े अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स माने जाते हैं इंडिया में। एंड जब भारत रत्न उन्हें मिला था और जब वो अवार्ड उनकी आंखों के सामने था तो उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं हर फैमिली के जो लोग हैं, हर कोई अपने बच्चों को म्यूजिक में प्रमोट करे, बिकॉज ये इंडिया का ऐसा कल्चर है जो कि बाहर से, वेस्ट से लोग आके हमसे इस हेरिटेज को सीखते हैं, इस म्यूजिक को सीखते हैं, तो हमें इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। एंड देन उसके बाद लास्ट में बात होती है कि वो उनको जो दो सिटीज है जो उनको बहुत पसंद थी वो है बनारस और धुमराव, तो वो बोलते हैं कि वो वर्ल्ड में किसी भी जगह हो वो इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को याद करते हैं। और वो बताते हैं जब वो बॉम्बे में परफॉर्मेंसेस करते हैं, मुंबई में होते हैं, तो उन्हें वो बनारस बहुत ज्यादा याद आता है। और एक बात की वो बताते हैं कि जब एक बार किसी उनके यूएस के स्टूडेंट ने कहा था कि आप यूएस हॉल में आके परफॉर्म करो एंड वहां पे उन्होंने कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वहां का पूरा जो एनवायरमेंट है उसको हम बनारस जैसा बना देंगे ताकि आपको वहां परफॉर्म करने में मजा आए। तो उन्होंने, बिस्मिल्ला खान ने आगे से उनसे ये पूछा था कि क्या तुम गंगा को भी वहां ले जा पाओगे, मतलब गंगा नदी को भी वहां पे ले जा पाओगे, जिससे पता चलता है कि उन्हें बनारस और दुमराव बहुत पसंद है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी वो मुंबई में होते थे तो वो बनारस को बहुत ज्यादा याद करते थे एंड जब वो बनारस में परफॉर्म करते थे तो उन्हें दुमराव का एक जो बहुत ही यूनिक सा मट्ठा है वो याद आता था, तो ये दोनों सिटीज उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब थी। अब एंड में उनको बताया जाता है कि बिस्मिल्ला खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडियाज रिच कल्चर
हेरिटेज का, जिन्होंने इंडिया के कल्चर को, हेरिटेज को इतना आगे तक इंटरनेशनली लेके गए। ऑल्सो एक लास्ट में बात करी गई है कि वो एक मुस्लिम होने के बाद भी जब विश्वनाथ टेम्पल में प्ले करते थे तो हर कोई उनको ऐसे कर नहीं पाता था कि ये मुस्लिम हो गए टेम्पल में। वो इतना मतलब शिद्दत के साथ परफॉर्म करते थे कि सब उन्हें देख के मोहित हो जाते थे। तो ये थी हमारी पार्ट टू की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड इसके जो भी इंसिडेंट्स है अगर आप इन्हें नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रिपेयर करना। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नाउ आई मूव अ साइड एंड आपको गाइस नोट डाउन करना है सो यू कैन नोट इट डाउन।